लेकिन बात करते करते हमें 5 साल कभी कभी हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को छेड़ते तंग करते परेशान करते हुए एक ऐसा परिवार बन गया साफ भला परिवार अपना भ्रमण कर ला और आपने इस बात को बहुत सीरियसली भी ले लिया और आपने दामाद को असली में दामाद बना तो मैं वाकई बालाजी का एकता का शोभा मैन था और शुक्रगुजार हूँ कि मैं उन लोगों के बदौलत इस शो से जुड़ा हुआ और आगे भी जुड़ा रहूंगा। थैंक यू। ये शो सही मायने में हम सब लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है क्योंकि हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी तब ये 11 बजे के स्लॉट पे शुरू हुआ था, फिर हमारा सेकेंड टाइम स्लॉट हुआ था 7:30 और अभी हम लोग 10:30 के टाइम स्लॉट पे चल रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारा शो 3 बार लॉन्च हुआ है, 3 बार आप इमेजिन कर सकते हैं और हमारी एक्चुअली प्रमोशन कभी उस लेवल पे हुई नहीं है कभी भी नहीं, लेकिन हमारा शो इतना खूबसूरत है कि जिस टाइम स्लॉट पे जाता है उस जनता को अपना बना देता है। ये खासियत है इस शो की और 11 बजे से हमें कभी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे, इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसकी स्टोरी पे दिल से काम किया क्योंकि हमें जजमेंट का कोई डर नहीं था, हमें कभी इस बात का डर नहीं था कि भाई प्यार भी नहीं है तो क्या हुआ क्या होगा या लोगों ने पसंद नहीं किया, तो हमें मालूम था कि हम एक बड़ा ही प्यारा सा शो बना रहे हैं जो कि एक नॉवल कस्टडी पे बेस था, एक माँ की कहानी, एक डिवोर्स हस्बैंड की कहानी बच्ची की और उससे उन लोगों से जुड़े हुए पूरे परिवार की कहानी, और ये कहानी में काम करते करते कब सब लोग अपने हो गए पता ही नहीं चला। एंड दीज न्यू एडिशंस जो कि हमारे डायमंड्स हैं रोहन करण सुधा जी एंड ऑफ कोर्स ये दोनों हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट आए देर आए पर इतने